हेलो दोस्तों, इस वीडियो सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम जिस विषय को कवर करने जा रहे हैं वह है एथेनॉल तथा एथेनॉइक अम्ल, एथेनॉल एंड एथेनॉइक एसिड। कई कार्बन यौगिक हमारे लिए अमूल्य हैं, लेकिन इस सत्र में हम दो व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण यौगिकों के गुणों का अध्ययन करेंगे, एथेनॉल तथा एथेनॉइक अम्ल। एथेनॉल कक्ष के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। सामान्यतः एथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है तथा ये सभी अल्कोहली पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है। इसके अतिरिक्त ये एक अच्छा विलायक है, इसलिए इसका उपयोग टिंचर आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि जैसी औषधियों में होता है। एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। तनु एथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने पर नशा आ जाता है। हालांकि अल्कोहल पीना निंदनीय है, लेकिन समाज में बड़े पैमाने पर प्रचलित है। लेकिन शुद्ध एथेनॉल परिशुद्ध अल्कोहल की थोड़ी सी भी मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है। काफी समय तक अल्कोहल का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब हम एथेनॉल की अभिक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। एक, सोडियम के साथ अभिक्रिया। अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। एथेनॉल के साथ अभिक्रिया में दूसरा उत्पाद सोडियम एथॉक्साइड बनता है। दो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया। 443 के तापमान पर एथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है। इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकारक के रूप में काम करता है, जो एथेनॉल से जल को अलग कर देता है। एथेनॉइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है तथा ये कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। एसिटिक अम्ल के 3-4% विलयन को सिरका कहा जाता है एवं इसे आचार में परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शुद्ध एथेनॉइक अम्ल का गलनांक 290 के होता है और इसलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में ये जम जाता है। इस कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाने वाला कार्बनिक यौगिकों के समूह के अभिलक्षण इसकी अम्लीयता होती है। हालांकि खनिज अम्लों के विपरीत कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरी तरह आयनीकृत हो जाते हैं। अब हम एथेनॉइक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। एक, एसिटीकरण अभिक्रिया। एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं अल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। एथेनॉइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। सामान्यतः एस्टर की गंध मृदु होती है। इसका उपयोग इत्र एवं स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा जो एक क्षार है, एस्टर पुनः अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है, क्योंकि इससे साबुन तैयार किया जाता है। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। दो, क्षारक के साथ अभिक्रिया। खनिज अम्ल की भांति एथेनॉइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक से अभिक्रिया करके लवण, सोडियम एथेनॉइट या सोडियम एसिटेट तथा जल बनता है। तीन, कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। एथेनॉइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम एसिटेट कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने एथेनॉल तथा एथेनॉइक अम्ल, एथेनॉल
एंड एथनोइक एसिड के बारे में अध्ययन किया।